आईना टूट गया। इतने पाक मौके पे आईने का टूटना तो अच्छा नहीं माना जाता ना अम्मी। अच्छा बुरा क्या होता है जीनत, आईना बहुत नाजुक चीज है, कोई भी चीज उस पे गिरेगी तो यकीनन वो टूटेगा ही ना। तो ये कोई बड़ी बात है और ना ही बुरी, मगर रस्म तो अधूरी रह गई ना अम्मी। खैर कोई बात नहीं। अरे भाई, कोई इस टूटे हुए आईने को दूल्हा दुल्हन के सामने से हटाएगा कि नहीं? टूटे हुए आईने में चेहरे नहीं देखा करते। बेचारी जारा, नए घर में पहला कदम ही गलत पड़ गया। भाई हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, जारा की रस्म जो अधूरी रह गई। चलो कोई बात नहीं। अरे हमारे दूल्हा दुल्हन कितने थके हारे दिख रहे हैं, कोई इनके लिए चाय नाश्ता पानी ठंडा कुछ लेकर आएगा कि नहीं? और तुम वहां क्या खड़ी कर रही हो? इधर आओ, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। हमारे बेटे और बहू की पहली खुशी खराब करती थी। कभी माफ नहीं करेंगे हम तो। हम हमेशा लानत भेजते थे उन औरतों पर जो सास बनकर अपनी बहुओं पर जुल्म करती थी। हमेशा चाहा कि अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मानेंगे, और माना भी। लेकिन आज एहसास हुआ कि तुम जैसी बहुओं की वजह से हम जैसी माओ को सास बनने पर मजबूर होना पड़ता। कलाम अल्लाह पाक के कपड़े में कोई और किताब रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इन बच्चों की खुशियां बर्बाद कर दी तुमने, किसी और से नहीं, कम से कम अपनी अपनी बहन रुखसार से कुछ सीख लेती। सीना, तुम छोटी बहू की मुजरिम, इसलिए इस गुनाह की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। आज इसी वक्त हम बड़ी बहू के सारे हक तुमसे छीनते हैं। आज के बाद बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियां छोटी बहू सारा निभाएगी।
अभी आपने कहा कि ये हमारी मुजरिम है, तो इन्हें सजा देने का हक भी हमें ही मिलना चाहिए ना। जिसका जो हक है वो उसका ही रहेगा। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, हम इन्हें माफ करते हैं। से तुम पर बेटा, अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। वैसे भी बेटा रस्म तो खत्म हो गई है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। इस घर में हमारा पहला कदम सही से नहीं रखा गया ना सही, मगर पहला कदम आखिरी तो नहीं होता ना। हमारा दूसरा कदम उठाने में हमारी मदद कीजिए। क्या आप हमें हमारा कमरा दिखा सकते हैं? अब खड़े खड़े सोच क्या रही हो? अपनी देवरानी को उनका कमरा दिखाओ। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारी नौटंकी देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। नौटंकी? ये जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी नौटंकी नहीं थी तो और क्या था? शायद तुम भूल रही हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हें याद दिला देते हैं। क्या कहा था तुमने हमसे उस हॉस्पिटल में? कि तुम कबीर से शादी नहीं करोगी। कबीर सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन रुखसार का है, यही कहा था ना तुमने? अल्लाह ने चाहा तो अब रुखसार को कबीर का साथ जरूर मिलेगा, उसकी शादी कबीर से ही होगी। और वैसे भी हम तो इस शादी के हक में कभी थे ही नहीं। हाँ कहने में तुम्हारे चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई, और अब दुनिया को दिखाने के लिए हमसे झूठी हमदर्दी का नाटक कर रही हो। क्यों? हमारी लखनवी जुबान में इसे ही नौटंकी कहते हैं। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से जरा हमारी बहन को वो हक नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी, जो उसे उसे मिलना चाहिए था। और अगर हमें हमारे हक ना मिले तो हम उन्हें छीनना जानते हैं। और हाँ, ये घर हमारा है और हम इस घर की बड़ी बहू, यहाँ की एक एक ईंट हमें पहचानती है, हमसे वाकिफ है। ये जो हमारा हाथ पकड़ के तुमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए दूसरा कदम उठाने की जो नौटंकी की है ना, उसे मजाक मत समझना। आज हम तुमसे वादा करते हैं जारा सिद्दीकी, कि आज के बाद इस घर में तुम जहां जहां कदम रखोगी हम वहां वहां अंगारे बिछाएंगे।
जारा। बच्चों की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं जारा। वो क्या है ना, भज्जो हमसे बेहद प्यार करती है, बस इसी वजह से वो कभी कभी हद से आगे बढ़ जाती है। अब चलिए हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं, चलिए। मगर इस सबकी जिम्मेदार तो तुम ही हो रुखसार, ना तुम उस दिन मंगनी कराती और ना ही शादी होती। कबीर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है, मगर उसके लिए एक शर्त है हमारी। दुल्हन बेगम, ये तमाम बातें करने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी चलिए, नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, चलिए। क्यों परेशान हो रही, हम कर लेंगे। अगर उसकी याद आपको परेशान कर रही है तो उसकी कमी हमें भी बहुत बेचैन कर रही है बेगम। उसकी चीजों को छूकर हम सुकून महसूस कर रहे हैं। ऐसे भी क्या जल्दी थी आपको उसकी शादी करने की, उसकी उम्र ही क्या थी। मगर आपने अपनी कौम को मिलाने के चक्कर में हमारी बेटी हमसे जुदा कर दी। आप भी तो यही चाहती थी ना बेगम, कि हमारी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। आज हमारी बेटी हमारे साथ थोड़े दिन और रह लेती। अगर 10 साल बाद भी आप उसकी विदाई करती ना, तो भी ऐसा ही कहती। शायद आप सही कह रहे हैं। बेटियां चाहे बादशाह की हो या फिर फकीर की, मां बाप के घर वो सिर्फ एक मेहमान की तरह होती है। एक ना एक दिन उन्हें उन्हें अपने घर जाना ही होता है। अपने माँ बाप का घर सुना करके खुदा ना करे अगर हमारे बीच कभी तलाक की नौबत आती है तो वो तलाक की बिद्दत नहीं होगी। हम आपके लिए दमकी हुई चाय लाए हैं अबू, इसे पीकर आपके दिन भर की थकान हट जाएगी। वाकई बहुत ही अच्छी। शुक्रिया। कुछ और काम, कुछ कहना चाहती हूँ? आपने तो हमें पुल सिरात के रास्ते पर चला दिया है अबू, एक ऐसा तलवार की धार जैसा रास्ता। ना हम कबीर के बगैर रह सकते हैं और ना ही कबीर के साथ। जब भी कबीर और जारा को साथ देखते हैं तो बस हमारा दिल काबू में नहीं रहता। तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं, और अभी तक तुमने सब कुछ वैसा ही किया जैसा हम चाहते थे, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तुम्हारा। अपने इन जज्बातों पर बस कुछ देर और काबू रखो। अब्बू हमने आपके कहने पर जारा और कबीर की शादी के लिए हाँ करी, मगर अब हमें डर लगने लग गया है। अगर उन दोनों की शादी कामयाब होगी तो? तुमने खुद देखा है कैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं दोनों। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार कबीर शहर काजी बन जाए फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मारा है।
तब तक भरोसा रखो हम पर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कभी जो सबको साथ लेकर चलने का हुनर जानते हो। पहले उसने रुखसार की जान बचाई और आज जीनत को हमारे गुस्से से बचाकर इस घर में आने वाले तूफान को वक्त से पहले ही थाम दिया। जानते हैं कि ये शादी तुम्हारी पसंद की शादी नहीं है और इसे रोकने के लिए तुमने तमाम कोशिशें भी की हैं। हम हमेशा चुप रहे, कभी कुछ कहा नहीं तुमसे, लेकिन बेटा आज कहेंगे। सारा अब तुम्हारी बीवी है, हम सबके सामने तुमने उसे निकाह किया है। बेटा जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ और उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि बिना किसी शर्त के उसे इस घर में तुम्हारा प्यार मिलने वाला है। जाओ बेटा। तो ठीक है, अम्मी से खुद कह देना कि हम मेहमानों के कमरे में सोने जा रहे हैं। और मत कीजिए ना भाई, आप जानते हैं ये हमारा हक बनता है और हम हमारा हक लिए बगैर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। और ये हक दिया किसने तुम्हें? अब अगर आपने एक बार भी कुरान और हदीस का नाम तक लिया, अब हमारे साथ है ना भाभी जान है, अब आप देखिएगा उनके पास आपके हर सवालों के जवाब है। सही तो कह रही है लीना, पैसे मांगना बहनों का हक होता है। अब चलिए इन्हें पैसे दे दीजिए, वरना हमारा ये नामहरम हाल आपकी जेब से पैसे निकाल के इन्हें दे देगा। चलिए अब इन्हें जाने दीजिए, दुल्हन इंतजार कर रही होगी। लीजिए भाई, चलो चलो चलो। तरस आता है उस लड़के पर जिसके तुम बीवी बनोगे। यही कहा था ना तुमने उसे? तरस आता है मुझे उस लड़के पे
बच्चे का तुम्हारा शौहर बनेगा। निकाह के लिए हाँ करते वक्त खत पे तरस नहीं आया?